नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है गली बॉय। तो दोस्तों, इस मूवी की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ये मूवी रहने वाली है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल और टाइगर बेबी के बैनर तले बनने वाली मूवी काफ़ी चर्चा में रही है। इस फिल्म में निर्माता रितेश जोया अख्तर और फरहान अख्तर है, और इसे निर्देश जोया अख्तर ने किया है। मूवी के अंदर मुख्य कलाकार में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट जैसे स्टार देखने को मिले हैं, और ये मूवी 24 फरवरी 2019 यानी कि वैलेंटाइन डे पर रिलीज होने वाली। गली बॉय की कहानी 22 वर्ष के मुराद की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह इस फिल्म में हमें मुराद का किरदार करते नजर आएंगे, जो कि मुंबई में गरीबों की बस्ती में रहता है। उनके पिता एक ड्राइवर है, जो कि मुराद को रात दिन मेहनत करके पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, क्योंकि मुराद वाइट कॉलर जॉब कर सके इसलिए। इसी बीच मुराद को एहसास होता है कि वो रैपर बन सकता है। उनके पिता को ये स्वीकार नहीं था बिल्कुल ही कि वो रैपर बने, लेकिन मुराद को तो रैपर बनने की धुन सर पे चढ़ जाती है। भारत में कलाकार रहने से नाम कमाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुराद अपना सपना पूरा करने में जुट जाता है। ये फिल्म मुराद की यात्रा दिखाई गई है, किस तरह से मुराद ने अपना सपना पूरा करता है और इस सपने पूरे करने में उसको कितनी तकलीफें होती है। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी ज़ोरदार होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। ये एक मैसेज देने वाली कहानी है दोस्तों। ऐसी ये कहानी इंस्पायर्ड है डिवाइन और मेजी के ऊपर। तो आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद।